and welcome to spmis academy today we will analyze important newspaper articles of 28th november 2020 please note you can download the pdf version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section you can download the pdf version of october 2020 magazine from our website spmisacademy.com you can also join our whatsapp group through the link given in the description section for more study materials this is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper the first article is taken from a editorial segment it talks about coastal security in india this topic is important from our syllabus paper for internal security point of view सो so, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा आप जो बॉर्डर लेंथ है इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है वो काफ़ी लंबा है और उसके लिए आपको ये भी पता होगा कि हमारी इंडियन आर्मी हमेशा तैनात रहती है उसके अलावा देयर आर स्पेसिफिक पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस लाइक बीएसएफ एस आई इस तरह के सशस्त्र सीमा बल इस तरह के काफ़ी सारे पैरामिलिट्री और आर्म फोसेज हैं तो जितना इंपॉर्टेंट है लैंड बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है कोस्ट लाइन को भी प्रोटेक्ट करना और इंडिया की कोस्ट लाइन काफ़ी लंबी है इट्स लेंथ इज समवेयर क्लोज टू 7500 किलोमीटर इवन स्लाइटली मोर देन दैट और कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करना जरूरी इसलिए है दैट कैन बी प्रूव फ्रॉम वन इंसिडेंट दैट हैपन इन टू आपको पता होगा कि जो ट्वेंटी नवंबर को अटैक हुआ था हमारे देश में इन मुंबई सिटी वो जो अटैकर्स थे वो टेररिस्ट थे जो पाकिस्तान से आए थे दे हैड कम थ्रू दिस सी रूट इट और वो कोस्ट लाइन के सहारे ही आकर के उन्होंने फिर हमारे देश में टेरोरिज्म फैलाया था सो द पॉइंट इज कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द कोस्ट लाइन एज वेल इफ यू वॉन्ट टू इंश्योर आवर नेशनल सिक्योरिटी तो कोस्ट लाइन डिफेंस के क्या मैकेनिजम्स हैं उसको जरा हम समझते हैं देर आर थ्री लाइन्स ऑफ डिफेंस फॉर कोस्ट लाइन प्रोटेक्शन पहला है मरीन पुलिस तो देखो मरीन पुलिस जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की जो में आता है जैसे जो जो भी स्टेट्स कोस्ट लाइन को शेयर करते हैं जैसे गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा वेस्ट बंगाल इन सब की अपनी अपनी मरीन पुलिस है और ये मरीन पुलिस का जो होता है उनका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर कराना जैसे वो लैंड पे करते हैं वैसे ही वो लोग मरीन पुलिस लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर कराते हैं टिल ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ये जो 12 नॉटिकल माइल्स होता है फ्रॉम बेस लाइन इस एरिया को हम लोग कहते हैं टेरिटोरियल वाटर मतलब दे आर एज गुड एज द लैंड इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी यू एन सी एल ओ एस अकॉर्डिंग टू दिस दिस लैंड इज एज लाइक एज गुड एज एनी लैंड ऑन द ओवरऑल टेरिटोरियल पार्ट तो इसको प्रोटेक्ट करना यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर कराना वहाँ की मरीन पुलिस का काम होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है उसके बाद फिर यहाँ से कोस्ट uh, लाइन से लेकर के 200 हंड्रेड नोटिकल माइल्स तक है ई जेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला एरिया वो है जहाँ के मिनरल रिजर्व्स एक कंट्री निकाल सकती है मतलब अपने कोस्ट लाइन से ये देखो कोस्ट लाइन से 200 सौ नोटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वहाँ तक मिनरल रिजर्व्स हमारे देश की सरकार निकाल सकती है वैसे ही किसी और की सर देश भी अपने कोस्ट लाइन से दो सौ नोटिकल माइल्स तक वो मिनरल रिजर्व्स निकाल सकते हैं उसको कहते हैं ई ई जेड और ई e जेड -E तक प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे देश में हैं कोस्ट गार्ड्स ये इंडियन कोस्ट गार्ड्स एक स्पेशल तरह के फोर्स हैं जो ने मरी टाइम एरियाज़ को वो प्रोटेक्ट करते हैं ई e -E तक ये कोस्ट गार्ड्स को बनाया गया था 1978 में लेकिन आफ्टर दिस टू थाउजेंड एट मुंबई अटैक दिस कोस्ट गार्ड्स ऑफ बिकम मोर इफेक्टिव उनमें और टेक्निकल अपग्रेडेशन किया गया है और इंडियन नेवी का काम होता है हाई सी में ऑपरेट करना देखो ये हाई सी होती है 200 हंड्रेड नोटिकल माइल्स के बाहर वाला एरिया इसको हम लोग इंटरनेशनल वाटर भी कहते हैं और इंडियन नेवी हाई सी एरिया में एक्टिव होती है और इसका मेन पर्पस है मैं कह, पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ मेन पर्पस ऑफ इंडियन नेवी इज टू मेक इंडिया अ ब्लू वाटर नेवी इन द इंडियन ओशन एंड मेक इंडिया अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मतलब द इंडिया शुड बी द मोस्ट कैपेबल एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पावर इन द इंडियन ओशन एंड नो सुपर पावर लाइक यू एस और चाइना शुड बी वेरी मच डोमिनेटिंग इन द इंडियन ओशन रीजन ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इन द हाई सी एरिया और उसके लिए इंडियन नेवी काम करती है वो इंटरनेशनल वाटर में प्रोएक्टिव तरीके से काम करती है तो ये है हमारे थ्री लाइन ऑफ डिफेंस या थ्री लेयर्ड कोस्टल स्ट्रक्चर ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स तक मरीन पुलिस दैट कम्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट उसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इंडियन नेवी बोथ ऑफ देम आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं आपको जैसा मैंने पहले भी बताया कि मुंबई टेरर अटैक के बारह साल पूरे हो चुके हैं और 26 नवंबर 2008 को ये मुंबई टेरर अटैक हुआ था और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने स्पीच देते हुए कहा कि आफ्टर मुंबई टेरर अटैक हमने अपने देश के जो मेरी टाइम डिफेंस उसको काफी ज्यादा स्ट्रेंथेन किया है और स्पेशली हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर आई इस आ, सेंटर को बनाया गया था टू में जिसका मेन पर्पस ही है कि कोस्टल एरिया की बेहतर सर्विलेंस करे तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट किया है हमने आई बनाया इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर फॉर कोस्टल एरिया प्रोटेक्शन तो देखिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर इस इस 2014 में बनाया गया और ये गुरुग्राम में यानी कि गुरुगांव में इसका ऑफिस है हेड क्वार्टर है इसको बनाया है इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर के ऑल ऑफ देम वर्क्स अंडर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ओवरऑल सर्विलेंस में इन तीनों ऑर्गनाइजेशन ने मिल करके आई इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर बनाया है इस फिगर की मदद से आप देखिए आपको पता चल जाएगा कि आई का, का काम क्या है आई के जो ऑफिसर्स होते हैं वो ट्रैक करते रहते हैं जो भी सिप्स इंडियन ओशन से पास करते हैं उनको ये लोग ट्रैक करते रहते हैं और उस पर अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखी तो तुरंत इंडियन नेवी को इंफॉर्मेशन दिया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड को इंफॉर्मेशन दिया जाता है स्विफ्ट एक्शन लेने के लिए तो इस तरीके से आईएमएससी बना करके एक हमने अपने कोस्टलाइन की स्ट्रेंथनिंग और कोस्टलाइन सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है एक बात आपको बस ध्यान रखने की जो आई है ये बस नॉन मिलिट्री कॉमर्शियल शिप्स की सर्विलेंस करता है नॉन मिलिट्री जैसे ट्रेड वगैरह के लिए जो शिप्स आते हैं उनकी सर्विलेंस होती है यहां पे उसके इंफॉर्मेशन यहां पे शेयर होते हैं और इसका भी शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है उसका भी सर्वेलेंस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ट्रेड वाले जो शिप्स होते हैं उसमें भी कभी कभार टेररिस्ट ग्रुप्स ट्रेडिंग शिप्स के नाम पे वो आर्म्स एम्यूनेशन लेकर के घूमते हैं और कभी कभार वो टेररिज्म या अटैक भी कर देते हैं मेरी अटैक या किसी टेरिटोरियल एरिया में अटैक भी कर देते हैं तो इस कारण से जो भी ट्रेडिंग सिप्स हैं कॉमर्शियल शिप्स हैं उनके इंफॉर्मेशन आई रहता है, उनको क्लोजली वॉच करता रहता है और उसके कोई भी एक्टिविटी तो इंडियन नेवी को वो इन्फॉर्म करता है जो मिलिट्री शिप्स हैं, उनको ट्रैक करने के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल ऑपरेशंस, और जो मिलिट्री शिप्स हैं उनको हम लोग ग्रे शिप भी कहते हैं उनकी जो सर्विलेंस होती है हो, उसके इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा क्लासिफाइड होते हैं तो इतना याद रखिए कॉमर्शियल सिप्स को हम लोग वाइट शिपिंग कहते हैं और कॉमर्शियल शिप की ट्रैकिंग करता है बस आईएमएसी जबकि मिलिट्री शिप को हम लोग कहते हैं ग्रे हल्क और उनको ट्रैक करता है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल ऑपरेशंस The next article is taken from national segment. It talks about फ्रॉम नेशनल सेगमेंट इट टॉक्स अबाउट जेंडर important from दिस टॉपिक paper फ्रॉम science and पेपर फोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ important from our syllabus paper सेलेब पेपर टू इंडियन of पॉइंट सबसे पहले न्यूज आर्टिकल समझते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नई साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी बनाने का काम शुरू कर दिया है तो ऑलरेडी एक साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी है हमारे देश में अब उसको वापस से अपग्रेड किया जाएगा रिवाइव किया जाएगा इस न्यू साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी में जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया जाने वाला है ऐसा अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये आर्टिकल में बताया उन्होंने कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया जाएगा वो होगा टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन साइंस प्रोजेक्ट्स तो हमारे देश में विमेन का पार्टिसिपेशन ओवरऑल साइंटिफिक एक्टिविटीज़ में एज ए लेक्चरर आज अ रिसर्च पर्सन और एज फैकल्टी काफ़ी कम है तो उस वीमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए ये नई जो पॉलिसी ला रही लाई जा रही है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी उसमें एक स्पेशल स्टेप लिया जाएगा और उस स्पेशल प्रोजेक्ट का नाम है गति जिसके मदद से वीमेन का पार्टिसिपेशन इन साइंस प्रोजेक्ट बढ़ाया जाएगा गति का फुल फॉर्म है जेंडर एडवांसमेंट थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन और देखिए इससे कैसे विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा वो भी ज़रा समझते हैं तो जो भी हमारे देश में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं आई वगैरह हैं एन हैं जो भी टेक्निकल फील्ड में काम करती हैं साइंस के फील्ड में काम करती हैं उनको अलग से रैंकिंग दी जाएगी रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन एज ए फैकल्टी एंड रिसर्चर्स तो जिस इंस्टीट्यूशन uh, में वीमेन की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी आज फैकल्टी या रिसर्चर उसको बेहतर रैंकिंग दी जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस गति इनिशिएटिव ये जो गति इनिशिएटिव का कॉन्सेप्ट है दिस कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली बोरोड फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम दिस कॉन्सेप्ट इन यूनाइटेड किंगडम इज नोन एज अथेना स्वैन साइंटिफिक वेमेन अकेडमिक नेटवर्क हो सकता है पी में आपसे सीधा सीधा पूछ ले तो ध्यान रखिए मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ 2005 में ही यूके में इस तरह का कॉन्सेप्ट लाया जा चुका है जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इस हिसाब से रैंकिंग दी जाती है कि उनमें विमेन को कितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिलता है इन साइंटिफिक एक्टिविटीज़ लाइक फैकल्टी मेम्बर और अकेडमिक रिसर्चर तो इसी कॉन्सेप्ट को यूके के इस कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है अथेना स्वैन उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसी तरह के कॉन्सेप्ट को बस नाम अलग है उसका नाम हमने दिया है गति अब जरा देखते हैं कि इस पूरे आर्टिकल में जो बताया गया है जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस गति इनिशिएटिव का वो है जेंडर डिस्पैरिटी इन साइंस को एड्रेस करना ओवरऑल हमारे देश में जेंडर डिस्पैरिटी तो हर सेगमेंट में आपको दिखेगा तो साइंस सेगमेंट में भी जेंडर डिस्पैरिटी है साइंस सेगमेंट में जेंडर डिस्पैरिटी का मतलब यह है कि वीमेन डू नॉट हैव एक्सेसिबिलिटी टू हैव अपॉर्चुनिटीज एट पार विथ मेल काउंटर पार्ट्स इन साइंस एक्सप्लोरेशन तो चाहे आप साइंस के फैकल्टीज़ को देख लीजिए या साइंस के रिसर्चर्स को देख लीजिए किसी भी फील्ड में उसमें आप देखेंगे कि मोस्टली द मेल काउंटर पार्ट्स आर लार्जर इन नंबर एज़ कंपेयर टू फीमेल्स दुनिया लेवल पे भी ये बात सच है और इंडिया में तो ये सच है ही है तो मुद्दा ये है कि जेंडर डिस्पैरिटी तो हर सेगमेंट में है चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो या इंडिया लेवल पे हो तो जेंडर डिस्पैरिटी साइंस में भी है साइंस के फील्ड में भी यस साइंस एक्सप्लोरेशन में भी साइंस को पढ़ाने में भी पढ़ने में भी वुमेन को कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो जरा देखते हैं कुछ एक डाटा दैट प्रूव्स इज दैट देयर इज जेंडर डिस्पैरिटी एट द ग्लोबल लेवल तो देखिए अभी तक नोबल प्राइज इतने सालों से चल रहा है नोबल प्राइज उसमें बस तीन परसेंट वीमेन तीन परसेंट जो नोबेल प्राइज विनर है, वो हैं वो वीमेन हैं तो इससे साफ साफ पता चलता है कि वीमेन का पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस कितना कम है यूनेस्को ने एक 2018 में फैक्ट सीट पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने बताया था अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स दे हैड कलेक्टेड कि ओनली 28.8 परसेंट रिसर्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर वीमेन तो ये दुनिया लेवल पर बात हो गई साफ साफ साबित हो गया कि जो जेंडर डिस्पैरिटी साइंस के अंदर है वो सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबल लेवल पर भी है अगर इंडिया के अंदर बात की जाए तो यही यू का जो फैक्ट uh, सीट था टू का फैक्ट सीट था वो बताता है कि इंडिया में टोटल जितने भी रिसर्चर्स हैं उसके बस 13.9 परसेंट रिसर्चर्स जो हैं वो विमेन हैं तो आप देख लीजिए कि इंडिया के अंदर जेंडर डिस्पैरिटी स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइंस कितनी ज्यादा है तो ये जो गति इनिशिएटिव है इसका इस्तेमाल हम करेंगे इन आर आंसर राइटिंग अगर कभी भी सवाल आ जाए जेंडर डिस्पैरिटी तो in इस तरह का लिया जा चुका है हाल फिलहाल में तो कभी जेंडर डिस्पैरिटी इन साइंस पर सवाल आए या जेंडर इन इन साइंस पर सवाल आए तो गति इनिशिएटिव तो रिसेंट आप लिखेंगे उसके और इनिशिएटिव है जिसका नाम है विज्ञान ज्योति स्कीम विज्ञान ज्योति स्कीम भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेकर के आई थी इसमें रूरल एरियाज के जो मेरिटोरियस गर्ल चाइल्ड हैं उनको प्रमोट किया जाएगा उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि वह ज्यादा से ज्यादा साइंस प्रोजेक्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें तो ये दो स्कीम्स आप याद रखेंगे गति एंड विज्ञान ज्योति स्कीम टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी इन साइंस नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट इट टॉक्स अबाउट इंडियन इकोनॉमी इन टू टेक्निकल रिसेसन दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर फॉर इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू सो करंट न्यूज देखते हैं तो देखिए नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने ये जो एन एस ओ है इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी डी पी डाटा को कैलकुलेट करना और पब्लिक में रिलीज करना तो एन एस ओ ने हमारे इकोनॉमी का सेकेंड क्वार्टर का ऑफिसकल ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन का डाटा रिलीज कर दिया रिगार्डिंग जी डी पी ग्रोथ और सेकेंड क्वार्टर में भी हमारी इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हुई है एंड इट हैज कॉन्ट्रैक्टेड बाई सेवन पॉइंट फाइव परसेंट सरल शब्दों में इसका मतलब ये है कि जो सेकेंड क्वार्टर था जुलाई से लेकर के सितंबर तक वाला क्वार्टर इस साल का फिजिकल ईयर uh, 2020-21 इसमें हमारी इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हुई है बाय परसेंटेज 7.5 पहले क्वार्टर में तो हमारा डिक्लाइन था ही पहले क्वार्टर में जो पहला क्वार्टर था अप्रैल से लेकर के जून तक का उसमें हमारी इकोनॉमिक डिक्लाइन हुई थी बाई ट्वेंटी तो इसके साथ ही अब बोला जा सकता है कि हमारी इकोनॉमी टेक्निकली रिसेशन में जा चुकी है आप देखिए दुनिया की सारी इकोनॉमीज़ मोस्ट ऑफ़ द मेजर इकोनॉमीज़ आर इन टेक्निकल रिसेशन अगर चाइना को छोड़ दिया जाए तो चाइना का फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ था 3.2 परसेंट का सेकंड क्वार्टर में ग्रोथ है चाइना का 4.9 पॉइंट अदरवाइज आप देखिए रसिया को यूएस को जापान को जर्मनी ब्राज़ील इटली फ्रांस यूके इंडिया दुनिया की सारी मेजर इकोनॉमीज़ उन्होंने दो सक्सेसिव क्वार्टर्स में उन्होंने नेगेटिव ग्रोथ रजिस्टर किया इसका मतलब ये है कि ये सारी इकोनॉमीज दुनिया की रिसेशन फेस कर रही हैं देखिए रिसेशन का टेक्निकल डेफिनेशन ही होता है कि इफ़ एन इकोनॉमी मूव्स थ्रू अ निगेटिव ग्रोथ फेज फॉर टू सक्सेसिव क्वार्टर यानी कि छः महीने तक लगातार अगर निगेटिव ग्रोथ रेट रहे तो हम बोलते हैं कि वो इकनॉमी रिसेशन में चली गई है और अगर दो महीने से ज़्यादा दो क्वार्टर या छः महीने से ज़्यादा उस इकोनॉमी में निगेटिव ग्रोथ रेट रजिस्टर रहे तो हम बोल सकते हैं कि वो इकोनॉमी डिप्रेशन में जा चुकी है और मोस्ट प्रोबेबली इंडियन इकोनॉमी डिप्रेशन में जाएगी क्योंकि जो थर्ड क्वार्टर है उसमें भी पॉजिटिव ग्रोथ होना तो थोड़ा अभी डिफिकल्ट लग रहा है बट इट्स येट टू बी सीन अब जरा देखते हैं स्पेसिफिक सेक्टर्स अलग अलग सेक्टर्स का थोड़ा परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो देखो पहले क्वार्टर में भी पॉजिटिव में था सेकंड क्वार्टर में भी पॉजिटिव में है एग्रीकल्चर अकेला ऐसा सेक्टर है जिसका लॉकडाउन का जिसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा तो एग्रीकल्चर का फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर दोनों में ही ग्रोथ रेट थ्री का था लेकिन बाकी अगर ओवरऑल मैनुफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें मैनुफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात करें ये जी तो आप समझते ही होंगे जब हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर की बात करते हैं उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी की तरफ देखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं जीवीए और पूरे इकोनॉमी की एक साथ जब बात करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो आई होप आपको जीवीए और जीडीपी का तो अंतर पता ही है तो मैन्युफैक्चरिंग तो सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन अगर देखा जाए तो सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव रहा है पॉइंट सिक्स परसेंट ये बहुत बड़ी बात है पिछले साल सेकंड क्वार्टर की तुलना में इस साल हमने थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्शन किया जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट हमने ज्यादा प्रोड्यूस किया पहले क्वार्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैसिव डिक्लाइन आया था थर्टी नाइन पॉइंट थ्री परसेंट का डिक्लाइन आया था तो ये एक अच्छी बात है ये एक अच्छा इंडिकेटर है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने पिछले साल की तुलना में थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर किया है उसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई इन सारे जो सेक्टर्स हैं इसमें हमारा ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहा है ओवरऑल ग्रोथ रेट हैज़ बिन फोर तो इन सारे सेक्टर्स को हम लोग कह सकते हैं कि दीज सेक्टर्स हैव सोन ग्रीन सूट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई दे हैव एग्जिबिटेड ग्रीन सूट्स ग्रीन सूट्स कैसा होता है इट इज़ अ टर्म यूज़ टू डिस्क्राइब साइंस ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी और पॉजिटिव डाटा ड्यूरिंग इकोनॉमिक टर्न डाउन टर्न जब भी मान लीजिए कि पूरी इकोनॉमी काफ़ी ख़राब परफॉर्म कर रही हो उसमें अगर कुछ अच्छे इंडिकेटर्स आए तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रीन सूट्स आप देखो इस इमेज से ही आप समझ जाओगे ग्रीन सूट्स का मतलब समझ जाओगे जब मान लो कभी आ, कहीं ड्रॉट आया हुआ है उस पर फिर धीरे धीरे इस तरह की हरी हरी पत्तियाँ कहीं पर आएँ तो वो अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं ना उन्हीं को हम कहते हैं ग्रीन सूट वैसे ही इकनॉमी के अंदर ग्रीन सूट्स का मतलब है कि अगर ओवरऑल पूरी इकनॉमी ख़राब परफॉर्म कर रही है इकनॉमी में ड्रॉट आया है और कुछ एक सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करें थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म करें तो फिर हम उन सेक्टर्स को कहते हैं कि दिस सेक्टर्स आर सोइंग ग्रीन शूट्स तो इस केस में आप मैनुफैक्चरिंग सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई दे आर सोइंग सम ग्रीन शूट्स ओवरऑल बात करें माइनिंग की सर्विसेज की जैसे कि होटल कंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल सर्विसेज तो दे तो तो आर सोइंग वेरी ब्लीक पिक्चर अभी भी उनका ग्रोथ रेट निगेटिव में ही है इस टॉपिक के बेसिस पे हमने ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन नेक्स्ट आर्टिकल taken from साइंस एंड Technology सेगमेंट इट टॉक्स अबाउट ब्लू टाइड दिस टॉपिक इज important फ्रॉम our syllabus पेपर four, जनरल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू सो करंट न्यूज़ समझते हैं तो देखिए पिछले चार दिनों से महाराष्ट्र के कई सारे इस तरह के बीच हैं वालाड बीच है मकड़ बीच है वहाँ पे आपको देखेंगे कि आपका ये वहाँ का जो वाटर है वो इस तरह से ब्लू कलर का हो चुका है इसको नाम दिया गया है ब्लू टाइड तो ये ब्लू कलर के वाटर के पीछे कारण क्या जरा समझते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस ब्लू टाइड तो एक तरह का माइक्रोस्कोपिक मरीन प्लांट है पानी में रहने वाले कई सारे प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे साइज़ के प्लांट्स उनको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक और चूंकि वो पानी में रहते हैं इसलिए हम लोग को उनको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक मरीन प्लांट इन माइक्रोस्कोपिक मरीन प्लांट्स को हम लोग फाइटो कहते हैं टुगेदर दे आर नोन एज फाइटो लेकिन उनका टेक्निकल नाम है डीनो फ्लैजलेट्स और ये जो डीनो फ्लैजलेट्स हैं एक तरह के फाइटो प्लैंक्टन इनका नेचुरल स्ट्रक्चर इस तरीके का है उनके अंदर एक इस तरह का प्रोटीन होता है कि जब भी उनको बाहर से धक्का दिया जाए तो वो ब्लू कलर इमिट करते हैं इस केस में हो क्या रहा है कि ये डाइनोफ्लैजेलिट्स की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है इन सारे बीचेस पे कि जब भी वेव्स चल रहे हैं लहरें चल रही हैं तो इन लहरों के कारण उन पर धक्का लग रहा है और उस धक्के कारण उनके अंदर का जो प्रोटीन है वो ब्लू कलर का लाइट रिलीज कर रहा है ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को हम लोग कहते हैं बायोलूमिसेंट ऑर्गेनिजम्स बायो मतलब लिविंग थिंग एंड लुमिनिसेंट मतलब चमकती हुई चीजें आपने जुगनू भी देख रखे होंगे रात के टाइम में वो चमकते हैं उनके अंदर भी इसी तरह का कुछ मैकेनिज्म है जब भी उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल इम्पैक्ट आता है वो लाइट इमिट करते हैं उनके बॉडी के अंदर इस तरह की प्रोटीन होती है जो लाइट इमिट करती है अब हाल फिलहाल में ये ब्लू कलर के डायनोफ्लेजेलेट्स इतने ज़्यादा क्यों दिख रहे हैं पहले क्यों नहीं दिखते थे मतलब ये ब्लू टाइट्स हाल फिलहाल में ज़्यादा क्यों दिख रहा है उसके पीछे कारण है क्लाइमेट चेंज साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज दिस फाइटो उनकी पॉपुलेशन एकाएक से काफ़ी बढ़ गई है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण और इस कारण से हाल फिलहाल में वो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो इट्स नॉट ए गुड साइन अगर डायनोफ्लैजेलिट्स की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है दैट इज एन इंडिकेटर दैट वी आर नाउ हैव फेसिंग अ फास्ट चेंजिंग क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग और इसे हमें रोकने की जरूरत है अगर ओवरऑल बायोलमनीसेंस की बात करें तो वो ऐसे चीजें जो लाइव हैं और जो चमक चमकते भी रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं बायोलूनीसेंट थिंग्स दे आर सो मैनी ऑर्गेनिजम्स दे हैव दिस बायोलूनीसेंस नेचर अब जरा समझते हैं कि बायोलूमिनीसेंस आखिर ये फीचर आता कैसे उनके अंदर एक तो देखो कि ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर स्पेशल तरह का प्रोटीन होता है उस पर जब भी कोई एक्सटर्नल इम्पैक्ट होगा जब भी उन इन प्रो इन ऑर्गेनिजम्स को लगेगा कि वो खतरे में है तो वो लाइट रिलीज करते हैं दिस इज़ नोन एज एंटी प्रीडेटरी रिस्पॉन्स ये इस तरह के जानवर हैं कि या इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कि जब भी इनको कोई प्रेडेटर अटैक करता है कोई भी ऐसा जानवर दूसरा जानवर जिनको खाने के लिए अटैक करता है तो उसको डराने के लिए इनकी बॉडी की प्रोटीन इस तरह से डिजाइंड है कि उस दूसरे जो प्रेडेटर है उसको डराने के लिए इनकी बॉडी के प्रोटीन लाइट रिलीज करती है ताकि वो प्रेडेटर को डरा सके और भगा सके तो ये है कॉन्सेप्ट इस कारण से इनको अंदर बायोलिम्निसंस का फीचर डेवलप हो चुका है हर एक जानवर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बचाने के लिए अपने आप को इवॉल्व करता है इस तरह के जो बायोलिमनिसेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का नेचर इवॉल्व किया जिसमें उनकी बॉडी की प्रोटीन लाइट इमिट करती है जब भी उनके ऊपर के जब भी वेव्स का धक्का लग रहा है तो इनको लग रहा है कि इनके ऊपर कुछ अटैक हुआ है और ये ब्लू लाइट बार बार इमिट कर रहे हैं इस टॉपिक के बेसिस क्वेश्चन दे रखा यू कैन क्वेश्चन एंड इन द कॉमेंट सेक्शन in our segment most probable pd topics for upcoming apsc trail cover topic number 223 to 225 topic number 203 is about classical languages of india there are six classical languages of india there are tamil संस्कृत कन्नड़ तेलुगु मलयालम एंड ओडिया देखो जो क्लासिकल लैंग्वेजेज होते हैं उनकी कुछ फीचर्स होने चाहिए तभी उनको क्लासिकल लैंग्वेज का कैटेगरी में रखा जा सकता है फॉर एग्जांपल दे शुड हैव अ हिस्ट्री ऑफ एटलीस्ट 1500 हंड्रेड टू टू थाउजेंड ईयर्स दे शुड बी अ बॉडी ऑफ एंशियंट बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर टेक्स्ट विच इज़ कंसिडर्ड वैल्यूएबल हेरिटेज बाय द स्पीकरस ऐसा उनका इन लैंग्वेज से रिलेटेड एनशियंट लिटरेचर होना चाहिए टेक्स्ट होना चाहिए द लिटरेरी ट्रेडिशन शुड बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड ये सब तीन क्राइटेरियाज तभी जाकर ये किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा सकता है ये न्यूज़ में आसाम में इसलिए था क्योंकि कुछ डिमांड्स रेज हो रही हैं बार बार कि एसएम को भी क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया की तरह इंक्लूड किया जाए इस टॉपिक के बेसिस पर हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन नंबर टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर इज अबाउट स्टेट सिंबल ऑफ आसम ऑन दीज आर स्टेट सिम्बल्स ऑफ असम स्टेट बॉडीज व्हाइट विंगड वुड डक स्टेट एनिमल इज वन हॉन्ड्राइनो ये सब तो आप जानते ही होंगे स्टेट फ्लॉर इज कॉपोफुल स्टेट ट्री इज होलोंग ट्री स्टेट एक्वाटिक एनिमल इज गैनजेटिक रिवर डॉल्फिन एंड स्टेट Uh, is tea. Please attempt this question that is based on topic number 224. Topic number 225 is about clause 6. Clause 6 of Assam Accord was envisaged that constitutional, legislative, and administ administrative safeguards should be provided to preserve and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of Assamese people. In July 2019, the Ministry of Home Affairs constituted a high level committee under chairmanship of Bipla Kumar Sharma to make recommendations on implementation of cloth 6. Please attempt this question, that is based on topic number 225. This is the answer of question number 220 to 222 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर एक बार डिस्कस कर लेते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन इन इंडिया वेयर हेल्ड इन नाइन हेल्ड इन टिल 1967 ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसके बाद सैमल्टेनियस इलेक्शन का एक बार के लिए साइकिल टूट गया था कल हमने डिस्कस दिसक, किया इन इंडिया वी फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग ये कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं फॉलो किया जाता ये कॉन्सेप्ट कुछ अलग कंट्री जैसे जर्मनी वगैरह उन सब में फॉलो किया जाता है सो द करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन ए वन ओनली दूसरा क्वेश्चन था विच इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैक फ्लेशन बेस्ट तो स्टैक फ्लेशन में इकोनॉमी स्टेग्नेट रहती है लो ग्रोथ बट हाई इन्फ्लेशन तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग